नमस्कार, मैं हूं सोनिया और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत। कोटेश्वर में दो दिवसीय कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन निशांत मलिक ने फीता काटकर किया। चरथावल विधानसभा से गांव कटेसरा में आज दो दिवसीय कबड्डी प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। चरथावल विधायक पंकज मलिक के छोटे भाई निशांत मलिक ने फीता काटकर किया प्रतियोगिता का उद्घाटन। कोटेसरा के इम्पीरियल पब्लिक स्कूल में शुभारंभ किया गया। कबड्डी प्रतियोगिता में इम्पीरियल पब्लिक स्कूल के छात्रों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। क्षेत्र के अन्य स्कूलों की टीमों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कबड्डी प्रतियोगिता उद्घाटन में स्कूल के छात्र छात्राओं के अलावा ग्राम प्रधान न्यूम, पूर्व प्रधान ईशा त्यागी, महराज त्यागी, मोहसिन त्यागी, सनोवर त्यागी, गुड्डू त्यागी समेत सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। गुरु जी, आज गांव कोटेश्वर में पहुंचे, किस तरह का आयोजन किया जा रहा है आज? देखिए, इस क्षेत्र में ये बड़े सौभाग्य की बात है कि यहाँ जो है खिलाड़ियों का प्रोग्राम, कबड्डी का प्रोग्राम, और कोटेश्वर गांव ने आसपास के गांवों की टीम भी, ये बहुत ही अच्छा इन्होंने उत्साह के साथ कार्य किया है। एक बहुत बड़ा कार्य है, छोटा नहीं, क्योंकि खेल जो है एक ऐसी चीज़ है, खेल से शरीर स्वस्थ रहता है, जब माइंड स्वस्थ रहता है तो सोच भी स्वस्थ रहती है। ये हमारे विधायक पंकज मलिक जी के मतलब सौजन्य से इन लोगों ने सभी जो है ये आपस में बातचीत कर ये बहुत अच्छा प्रोग्राम रखा है। बड़ा बढ़िया लगा हमें भी, और बहुत बढ़िया ऐसे ऐसे प्रोग्राम करवाते रहेंगे तो इसमें पूरा सहयोग रहेगा हमारा सब। हमें सहयोग